साथ मिलकर हमने मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट भी किया और मरीजों की सूरत हाल वाम को दिखाई। उसके अलावा डॉक्टर्स का जो यहाँ पे फरार हो चुके थे उनकी खाली सीटें भी दिखाई। हम उनसे इस सूरत हाल से उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या सूरत हाल है और इसका मजीद वाकई वजीर अला पंजाब इसके ऊपर अब नोटिस तो ले लिया है, इस पर अमल होगा क्या? 20 करोड़ जो एक जराए से पता चला है कि वो इसका बजट बढ़ाएंगे, वाकई बढ़ेगा या सिर्फ ये एक कागजात में बात रह जाएगी? जी ज़ुबैर, बताइएगा इस हवाले से जो आज हमने कवरेज की और ज़राए से मालूम हुआ कि वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से बताइएगा कि ये सारा मामला जो वज़ीर आला पंजाब इसको अपना वादा मुकम्मल भी करेंगे, जो एक नोटिस हुआ है या फिर ये कागजात में रह जाएगी बात? जी बिल्कुल, ये एक कौम के लिए खुशखबरी है कि आज ए लाइट टीम ने अपनी मेहनत के साथ सारा दिन कवरेज की और कवरेज के जो रद्द अमल में जो है वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया है और इसमें जो सरगोधा के जो लोग रहते हैं इसके जो इर्द गिर्द के शहर हैं तकरीबन ये 1.5 करोड़ की आबादी है जिसको इस बजट का फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, जब हमने सुबह से इस हॉस्पिटल का विजिट किया, हमने नाज़रीन को सारा दिन दिखाया, हमें काफ़ी थ्रेट्स भी मिलती रहीं। जैसे हम नर्सरी के अंदर गए, हमने सारी लाइव कवरेज दिखाई, काफ़ी हमें थ्रेट्स मिलती रही। यहाँ के जो अहदेदारान हैं, जो कि MPS वगैरह हैं सरगोधा के इर्द गिर्द, उनकी हमें फ़ोन कॉल भी रिसीव होती रही। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी थ्रेट दी कि ये आप क्या शो कर रहे हैं, लेकिन ये हम सारा कौम के लिए कर रहे थे और बड़ा बेहतर हुआ। दूसरा, यहाँ से हमने ओवरऑल में बताता चलूँ कि नर्सरी में हमने सबको दिखाया कि डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, नर्सें टीम पहुंचने पर जो है वो आगे पीछे हो गई थी, और दो तीन पॉइंट जो हमने निकाले सारा दिन के बाद, करप्शन का बहुत बड़ा यहाँ पे काम हो रहा है। अगर कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर जो उसके रसीद के उस जो मेडिसिन लिख के देते हैं, पहली बात तो ये है कि मेडिसिन फ्री होनी चाहिए, जो कि फ्री और लिख के लगाया हुआ मेडिसिन जो यहाँ पे फ्री लिख के लगाया हुआ लेकिन मरीजों को नहीं मिल रही। जी हमारे साथ जो